हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ट्रिकी टेक्निक। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है कि ICO क्या होता है, IDO IO क्या होता है, एयरड्रॉप्स क्या होता है, हम इसे कैसे क्लेम कर सकते हैं, फ्री में कॉइन्स कैसे ले सकते हैं, कौन से ऐसी वेबसाइट्स है जो हमें IDO प्रोवाइड करवाती है नए नए टोकन जनरेशन इवेंट्स के लिए। तो देरी नहीं करते, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको प्रोसेस समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि IDO ICO IO क्या होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक इमेज पे लेके जाऊंगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी, यहाँ पे एक हैरी है जिसके पास एक प्रोजेक्ट का आइडिया है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। थोड़ा पैसा है इसके पास लेकिन थोड़ा पैसा नहीं है। तो अगर इसको फंड रेज करना है, इसको पैसे चाहिए, तो ये कैसे पैसे लेगा अपने बिजनेस के लिए। पुराने ज़माने में क्या होता था, आपको यहाँ पर दिख रहा है ओल्ड एरा, है ना। पुराने ज़माने में क्या होता था, अगर हैरी को पैसे चाहिए होंगे अपने बिजनेस के लिए तो वो बैंक के पास जाएगा और बैंक से लोन लेगा और बैंक को फिर इंटरेस्ट पे करेगा, है ना। और बैंक को क्या करेगा, ये अपनी कोई संपत्ति यानी अपनी कोई एसेट भी गिरवी रखवाएगा, तभी तो बैंक इसको लोन देगा, क्योंकि बैंक के पास कुछ प्रूफ होना चाहिए कि वो जो पैसा दे रहा है तो वो डूबे नहीं, है ना। तो ये चीज़ है। और पुराने ज़माने में एक चीज़ और थी, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के थ्रू भी आप पैसा रेज कर सकते थे, फंड रेज कर सकते थे, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस थी। लेकिन अब न्यू एरा में क्या हुआ, अगर हैरी को पैसा चाहिए अपने प्रोजेक्ट आइडिया के लिए तो उसके पास एक अच्छा प्रोजेक्ट आइडिया होना चाहिए, एक रोड मैप होना चाहिए कि कैसे कैसे उसका प्रोजेक्ट आइडिया काम करेगा और कैसे प्रॉफिट जनरेट करेगा। और उसके बाद वो क्या कर सकता है, अपना एक IDO लॉन्च कर सकता है। IDO का मतलब इनिशियल डेक्स ऑफरिंग। तो इसके बदले में क्या देगा वो, अगर पुराने ज़माने में हैरी अगर बैंक से लोन लेगा तो बैंक को अपनी संपत्ति गिरवी रखाएगा, लेकिन न्यू एरा के अंदर क्या करेगा हैरी, अगर उसको पैसे चाहिए तो वो पब्लिक से पैसे तो ले लेगा, है ना, इन्वेस्टर से पैसे ले लेगा, लेकिन उसके बदले में उस प्रोजेक्ट के जो टोकन है वो इन्वेस्टर को दे देगा, ताकि क्या करेगा, जब इन्वेस्टर को अपने पैसे वापस चाहिए तो उसके टोकन को सेल कर दे और अपना पैसा निकाल ले। तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ कि IDO ICO और IO में डिफरेंस क्या है। तो इसके लिए मैं आपको दूसरी इमेज पे लेके चलता हूँ। दोस्तों, दूसरी इमेज पे आप देखेंगे कि यहाँ पे IO IDO और ICO के बारे में बताया गया है, समझाया गया है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। दोस्तों, पहले मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। ICO का मतलब होता है दोस्तों इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, है ना, और IEO का मतलब होता है इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग, और IDO का मतलब होता है इनिशियल डेक्स ऑफरिंग। IEO यानी इनिशियल एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब जैसे कि इंटरनेशनल एक्सचेंज है बाइनेंस, वो भी ग्लोबल, gate.io, OKEX, FTX, उनके ऊपर अगर कोई टोकन का स्टार्टअप आता है तो वो अपने कस्टमर्स को जो उनके एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं उन्हें ये ऑफर देते हैं कि आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एक लिमिट प्राइस के अंदर उसके टोकन्स को बाय कर सकते हैं, और जब वो टोकन लिस्ट होगा तब वो कितना भी आपको प्रॉफिट दे सकता है, 2x, 3x, 5x, 10x, कितना भी। और इनिशियल कॉइन ऑफरिंग में क्या होता है कि जो कंपनी है, मानो हैरी की कोई कंपनी है xyz.com, तो वो अपने दम पे अपनी कम्युनिटी, उसके ट्विटर पे जितने फॉलोवर्स हैं, उसके उससे जितने लोग जुड़े हुए हैं, उनकी कम्युनिटी में जितने लोग जुड़े हुए हैं, उनको अपने बिहाफ पे कॉइन देगी और उनसे पैसा यानी फंड रेज करेगी। यानी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग में क्या हो गया, वो इन हाउस हो गया, इसके अंदर आप पढ़ लीजिएगा। और IDO, IDO का मतलब हो गया इनिशियल डेक्स ऑफरिंग। देखो, IEO एक सेंट्रलाइज वे हो गया कि आपको अगर IEO में पार्टिसिपेट करना है तो आपको एक एक्सचेंज पे जाना पड़ेगा और उस पे ट्रेड करनी पड़ेगी, उसके जो रूल्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ICO में क्या हो गया, उनकी कम्युनिटी के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा इनिशियल कॉइन ऑफरिंग में। इसके अंदर ट्रस्ट लेस होता है दोस्तों, ये है ना, ट्रस्ट नहीं है। इनिशियल कॉइन ऑफरिंग में क्या है, आप उस कंपनी पे ट्रस्ट करके उसको फंड देंगे, बाद में आपके फंड का वो क्या करते हैं, आपको टोकन देते भी हैं या नहीं देते ये भी आपको नहीं पता। लेकिन इनिशियल डेक्स ऑफरिंग में क्या होता है, ये पूरा एक डिसेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि अगर आपने उनको पैसा दिया है तो आपको उसके बदले में टोकन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो IDO के दोस्तों कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे पोल का स्टार्टर और बाकी सारे पूल्स, BSC पैड, डाओ पैड,
तो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं। इतना तो दोस्तों आपको समझ आ ही गया होगा कि IDO, ICO और IEO एक फंड रेज करने का तरीका है पब्लिक से, जिससे कि जो कोई हैरी है वो अपनी कंपनी को रन कर सके, अपनी कंपनी बना सके। बाद में फिर हैरी को प्रॉफिट होगा तो वो अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट बांट देगा। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि देखो IDO के जो पॉपुलर जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो बताता हूँ। एक है दोस्तों इसमें पोलका स्टार्टर, जो कि ERC-20 पे और BAP-20 पे वर्क करता है। BAP-20 टोकन यानी बाइनेंस स्मार्ट चेन के टोकन, और ERC-20 यानी इथेरम चेन के टोकन। दो चेन अभी पॉपुलर है मार्केट के अंदर, जिसके ऊपर काफ़ी सारे टोकन जनरेट हो रहे हैं, जो कि ERC-20 जो इथेरम की चेन है, और BAP-20 जो बाइनेंस स्मार्ट चेन है, बाइनेंस एक्सचेंज है, उसकी खुद की ये ब्लॉक चेन है। तो एक पोल का स्टार्टर हो गया दोस्तों यहाँ पर प्लेटफॉर्म। दूसरा यहाँ पर हम देखेंगे पूल्स। पूल्स यहाँ पे प्लेटफॉर्म है जो कि IDO हमें प्रोवाइड करवाता है, और काफ़ी अच्छे IDO इसने प्रोवाइड करवाए हैं, और काफ़ी अच्छा रिटर्न इन्होंने इन्वेस्टर्स को दिया है। यहाँ पे देखो ERC-20 और यहाँ पे कि बाइनेंस स्मार्ट चेन का ऑप्शन दे रखा है। दूसरा है BSC Pen, जो कि एक बाइनेंस स्मार्ट चेन का स्टार्टअप है, और यहाँ पर हमें बाइनेंस स्मार्ट चेन यानी BAP-20 के टोकन के IDOs यहाँ पे हमें मिलते हैं। ये एक प्राइवेट एलोकेशन प्लेटफॉर्म है दोस्तों। और यहाँ पर दूसरा आता है DAO पैड यानी DAO मेकर। DAO मेकर के प्रोजेक्ट्स दोस्तों बहुत अच्छे हैं, और इन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके प्रीवियसली जितने भी प्रोजेक्ट हैं उन्होंने काफ़ी हद तक 8.5x, 6.5x, 10x, 30x काफ़ी अच्छे यहाँ पर इन्होंने रिटर्न दिए। यहाँ पे ओरियन प्रोटोकॉल को आप देखेंगे दोस्तों 280x, यानी जिसने $100 लगाए उसके 280 गुना हो गए वो। तो काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि IDO हमें प्रोवाइड करवाते हैं, और जिससे कि हम अपने पैसे को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें कंडीशन होती है, ऐसे नहीं है कि आप हर IDO में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हर IDO के कुछ रूल्स होते हैं जिसको आप फॉलो करके उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें एक लॉटरी मैकेनिज्म होता है। लॉटरी मैकेनिज्म मीन्स दोस्तों कि काफ़ी सारी एप्लीकेशन इनके पास आती है IDO के लिए, फिर उसमें से ये कुछ एप्लीकेशन को सिलेक्ट करते हैं और उनको एलोकेशन देते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे लॉटरी सिस्टम क्या होता है। जिसकी लॉटरी निकली तो वो इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, और जब टोकन लॉन्च होगा तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकता है। तो दोस्तों आपने देखा है यहाँ पर पोलका स्टार्टर, पूल्स, BSC Pad, DAO मेकर, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि हमें IDO प्रोवाइड करवाते हैं। तो IDO को कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर मैंने इसी वीडियो में बता दिया तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाएंगे। तो फटाफट से बात कर लेते हैं कि एयरड्रॉप्स क्या होता है। दोस्तों जब ये नए प्रोजेक्ट्स आते हैं मार्केट के अंदर तो ये अपनी कम्युनिटी को ग्रो करना चाहते हैं। उनके ट्विटर पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोवर्स होने चाहिए, टेलीग्राम पर ज़्यादा से ज़्यादा मेम्बर्स होने चाहिए, और काफ़ी सारी बड़ी कम्युनिटी होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये फ्री में टोकन्स को बांटते हैं। एयरड्रॉप को कैसे ज्वाइन करते हैं मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ यहाँ पर। अगर आपने हमारी चैनल को यहाँ पर फॉलो नहीं कर रखा तो आप फॉलो कर लीजिए। इसी पे आपको काफ़ी सारे बाइंग के सिग्नल्स मिल जाते हैं क्रिप्टो करेंसी के, और आपको जो एयरड्रॉप्स है IDO आने वाले उनके लिंक्स भी आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ये एक मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये एक एयरड्रॉप है ABC Chain Global, एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपको $30 का एयरड्रॉप मिल रहा है, जिसके अंदर आपको कंडीशन है जो कि पूरी करनी है। क्या पूरी करनी है, आपको इनके टेलीग्राम चैट को यहाँ पर ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, इनके ट्विटर पेज को फॉलो करना है, और इनकी जो ये पिन पोस्ट है इसको लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, रीट्वीट भी करना है, इनके मीडियम जो पेज है उसको फॉलो करना है, और लिंक्डइन के पेज को भी फॉलो करना है। तो इन सारी चीज़ों को आप कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, इनके जो टेलीग्राम बोट है उसे चैट करना है। अब ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे स्टार्ट करने को बोल रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि ज्वाइन एयरड्रॉप, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में ये कह रहा है यहाँ पर सबमिट योर डिटेल्स, है ना। तो सबमिट योर डिटेल्स में ये क्या मांग रहा है यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बोलेगा ये यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए इनके टेलीग्राम चैट को, चैनल को। जैसे कि मैं चैट पे क्लिक करता हूँ तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन ग्रुप करा, ठीक है। और उसके बाद में क्या आ गया है यहाँ पर, आई एम नॉट ए बोट कर दिया मैंने यहाँ पे, जिससे मैं अप्रूव हो गया। यहाँ पे बैक आ जाऊँगा, मैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लूँगा। यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर लिया और यहाँ से बैक आ गया, ठीक है। मैंने अभी ये दोनों टास्क कर ली तो मैं यहाँ पे डन पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद ये बोलेगा ट्विटर को फॉलो कर लिए, लाइक ट्वीट कर लीजिए अगर मैंने ये चीज़ कर ली होगी, सबमिट योर ट्विटर प्रोफाइल लिंक, है ना। तो ये ट्विटर प्रोफाइल लिंक बोल रहा है, तो मैं वहाँ से
प्रोफाइल का जो लिंक है वो कॉपी करूंगा मेरी और यहाँ पर मैं जैसे कि पेस्ट कर दूंगा। जैसे जैसे मैं ये सारी चीज़ें कर लूंगा और फाइनल तक पहुंच जाऊंगा तो ये मैं इसके लिए एयर ड्रॉप के लिए क्या हो जाऊंगा, एलिजिबल हो जाऊंगा। आने वाले वीडियो में मैं आपको डिटेल वीडियो बना के दूंगा कि आप कैसे एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेरे को एक छोटा सा एग्जाम्पल देना था कि एयर ड्रॉप होता क्या है आपके लिए। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो आपको हमारी चैनल पर मिलेंगे ताकि आप समझ सके कि आईडीओ क्या होता है, उसमें अप्लाई कैसे किया जा सकता है, एयर ड्रॉप क्या होता है, फ्री में क्लेम कैसे कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अगर इसमें कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करिए। अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, फैमिली ग्रुप्स में, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँच सके। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए, उसमें आपको डेली के सिग्नल्स मिलेंगे, इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी मिलेगी, आईडीओ के लिंक्स भी आपको वहीं मिलेंगे और एयर ड्रॉप्स के लिंक भी आपको वहीं मिलेंगे। काफ़ी एक्टिव कम्युनिटी है हमारी, जितने भी एयर ड्रॉप्स वगैरह आएंगे वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे।